राजस्थान में एक बार फिर से जल संकट मंडराने लगा है। बेमौसम बरसात ने एक बार फिर से सबको चिंता में डाल दिया है। जहां हर साल राजस्थान के कई जिले सूखे की चपेट में आ जाते थे, आज वही राजस्थान के कई जिले भारी बारिश से परेशान दिख रहे हैं। राजस्थान में आज से जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट है, तो वहीं मौसम विभाग ने 22 में से 16 जिलों में भारी बारिश होने और कहीं कहीं बिजली गिरने की आशंका जताई है। 11 अक्टूबर तक बारिश का दौर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर जारी रहेगा। इसके चलते 8 शहरों में दिन और रात का तापमान 30 डिग्री से नीचे चला गया है। सबसे ज्यादा चूरू में तापमान 13 डिग्री सेल्सियस गिर गया, जबकि झुंझुनू और अलवर में टेम्परेचर में 12-12 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड हुई है। अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर और नागौर जिलों में भारी बारिश रिकॉर्ड हुई है। वहीं अब पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश सेवर बांध भरतपुर में 9 इंच रिकॉर्ड हुई है। पश्चिमी राजस्थान के परबतसर, नागौर में 4 इंच बारिश हुई है। बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बारिश से कच्चे मकानों को नुकसान होने और नदी नालों में उफान आने की आशंका जताते हुए वाहन चालकों, आम लोगों और किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अगले 2 दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। 12 तारीख से मौसम फिर से साफ होगा और बारिश का ये दौर थमेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि भारी बारिश वाले इलाकों में अंडरपासों में पानी भर सकता है। लगातार भारी बारिश और पानी इकट्ठा होने से कच्चे मकानों को नुकसान हो सकता है। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक व्यवस्था इफेक्टेड हो सकती है। भारी बारिश के कारण विजिबिलिटी कम होने से रोड एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा बारिश के कारण कुछ इलाकों में बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।